आज अपन पढ़ेंगे सर्कोस्पोरा के बारे में, जो कि डिटेरोमाइकोटिना में आता है। सर्कोस्पोरा फंजाई के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, देयर आर ए स्टिल ए लॉट ऑफ स्पीसीज इन फंजाई विच आर येट टू बी डिस्कवर्ड। देखो, इसमें कई सारे फंजाई, मतलब इसमें कई सारे फंजाई आती है, बट अभी कई सारे डिस्कवर्ड नहीं हुई है इस टाइप से। दे ऑल हैव बीन पुट इन टू ए ग्रुप कॉल्ड डिटेरोमाइकोटिना। जितने भी अब तक मतलब पता चली है, उनको एक ही ग्रुप में रखा गया है, डिटेरोमाइकोटिना में, ठीक है। मतलब सर्कोस्पोरा में जो फंजाई आती है, उनको इन्हीं में रखा गया है, डिटेरोमाइकोटिना। और फंजाई इम्परफेक्टाइल, मतलब इम्परफेक्टाइल इसलिए क्योंकि इसमें ना अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है, तो इसको इम्परफेक्टाइल कह सकते हैं। सेक्सुअल परफेक्ट मतलब पूरी तरह कंप्लीट नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता इसमें। और ये सेप्रोफाइटिक होती है, मतलब सड़ी गली चीज़ों पर उगती है, और पैरासाइट भी हो सकती है किसी भी चीज़ में, ये पैरासाइट फॉर्म में हो सकती है। सर्कोस्पोरा स्पीसीज जो है, ये देखो दो तरह के डिजीज, दो मतलब डिजीज करते हैं, एक तो लीफ स्पॉट और एक टिक्का डिजीज। लीफ स्पॉट जो होता है वो सर्कोस्पोरा ओराइजी और सर्कोस्पोरा इंडिका स्पीसीज में करता है, और टिक्का डिजीज जो है ग्राउंड नट में होता है, ठीक है। इस तरह से अगर अपन देखो इसमें क्या करता है, जैसे ये डिजीज जब करता है, पहले ये क्या करता है, ऊपर जो मतलब लीफ का जो ऊपरी पार्ट है, ऊपरी जो हिस्सा है, सरफेस है, उस पर ये अटैक करता है, उस पर ये स्पॉट लाइक बना देता है, जो कि येलो स्पॉट, और बाद में जाके वो ब्राउन हो जाते हैं। पहले येलो कलर के होते हैं, बट बाद में ब्राउन हो जाते हैं। धीरे धीरे ये यहाँ से नीचे की लीफ में जाना शुरू कर देता है, ठीक है। लोअर सरफेस पे करता है, लोअर सरफेस पे जब अटैक करता है तो ब्लैक कलर का होता है, और बाद में ब्राउन स्पॉट हो जाता है, ठीक है। ब्लैक या ब्राउन स्पॉट टाइप से दिखने लगता है। अगर बात करें अपन इसके थैलस की, तो थैलस जो है मल्टी सेलुलर, मतलब कई सारी सेल्स का बना होता है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड, कहीं तरह के कई न्यूक्लियस, और इसमें ब्रांचड, इसका जो फिलामेंटस जो पाया जाता है वो ब्रांचड पाया जाता है। इस तरह से इसका थैलस होता है, ठीक है। ये इस तरह से इसका थैलस होता है। अब बात करते हैं अपन, देखो बात करते हैं अपन इसमें कि इसमें देखो रिप्रोडक्शन की अगर अपन बात करें, तो रिप्रोडक्शन इसमें एक ही पाया जाता है, वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये देखो इसमें, ये इसकी जो लीफ की जो लेयर है, लीफ की जो एपिडर्मिस जो लेयर है ऊपर वाली, इस पे आके यहाँ पे हाइपी जो है वो यहाँ पे एक मतलब इकट्ठा हो जाते हैं एपिडर्मिस की। और वो आते कहाँ से, स्टोमेटा से आते हैं, ठीक है। जो ऊपर लीफ के जो ऊपरी में छिद्र टाइप से होते हैं, उनको स्टोमेटा कहते हैं। उन स्टोमेटा से ये अंदर आ जाता है, और एपिडर्मिस के नीचे यहाँ पे आके जमा हो जाता है फिर, और यहाँ से ये ग्रो करता है। तो देखो ये कोनिडिया बनाता है, और कोनिडियोफोर बनाता है, जो कि नॉन सेप्टेट, कोनिडियोफोर और कोनिडिया बनाता है। इस ये से मतलब कोनिडिया बनाता है सेप्टेट, ठीक है। इस तरह से ये इसके एपिडर्मिस लेयर है, और ये हाइफी जो है ये सेल के नीचे की साइड भी ग्रो करती है, जो इंटरसेलुलर हाइफी मतलब जैसे दो सेल के बीच से ग्रो करती है, ऐसा नहीं कि एक सेल के बीच से जा रही, नहीं, दो सेलों के बीच बीच से ऐसे ग्रो करती रहती है। ये होस्ट टिश्यू हो गया, ठीक है। इसके बाद अब इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कोनिडिया के द्वारा होता है। अगर अपन कोनिडिया के स्ट्रक्चर की बात करें अलग से, तो कोनिडिया इस तरह से होता है। ये कोनिडिया सिलेंड्रिकल शेप में कोनिडिया होता है, और ये ट्रांसवर्स इसमें सेप्टा पाई जाती है, इसमें सेप्टा होते हैं ट्रांसवर्स, ठीक है। इसके बाद ये देखो, ये कोनिडिया जो है ये यहाँ से मतलब इससे सेपरेट होके, अलग होके ये ज़मीन के अंदर चले, ज़मीन पे आ जाते हैं। ज़मीन पे आने के बाद ये कोनिडिया जो है, ये जैसे इनको वाटर मिलता है, ये फूल जाते हैं, और फूलने के बाद ये एक नए थैलस का निर्माण कर लेते हैं। और ये जो थैलस है, ये मतलब ये नई हाइफी जो बनाते हैं, ये वापस से जाके लीफ में डिजीज कोज करता है, ठीक है। इस तरह से ये इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। आपको समझ में आ गया सर्कोस्पोरा, इसमें मात्र ओनली एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक है, ओके।